हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुसुम है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रॉयल वर्ड्स में। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक फ्रस्ट्रेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्टोरी लेकर आई हूं, जो कि अपने मैनेजर से बहुत ज्यादा परेशान है, उससे बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि उसका मैनेजर जो है कभी उसको 3 से ज्यादा रेटिंग नहीं देता है। वो कितना भी हार्ड वर्क कर ले, कितना भी अच्छा काम कर ले, तो भी उसका मैनेजर कभी खुश नहीं होता। तो आइए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। खुद तो वो कुछ करता नहीं, खुद तो वो कुछ करता नहीं, बस ऑर्डर ही झाड़ना आता है। मेरी खूब क्लास लगाता है, मेरी खूब क्लास लगाता है, कितना भी अच्छा काम कर लूं पर उसको कभी नहीं भाता है। क्या बताऊं मैं दोस्तों, अंदर ही अंदर बहुत रुलाता है। क्या बताऊं दोस्तों, अंदर ही अंदर बहुत रुलाता है, अंदर ही अंदर बहुत रुलाता है। छुट्टी मांगो इनसे तो लगता है जैसे किडनी मांग ली हो, छुट्टी मांगो इनसे तो लगता है जैसे किडनी मांग ली हो। इतनी छुट्टी क्या करोगे, हमेशा यही सुनने को मिलता है। इतनी छुट्टी क्या करोगे, हमेशा यही सुनने को मिलता है। क्या बताऊं मैं अपनी दास्तां, मेरा बहुत जी जलता है, मेरा बहुत जी जलता है। मैनेजर कभी इम्प्रेस होता नहीं, जितना मर्जी ओवर टाइम कर लो, जितना मर्जी ओवर टाइम कर लो, 3 से ऊपर रेटिंग कभी देता नहीं। ओला उबर स्विगी जोमैटो, ओला उबर स्विगी और जोमैटो सब इनसे 5 रेटिंग ले जाते हैं, पर अपने एम्प्लॉय से ये क्या चाहते हैं कि 3 पे ही अटक जाते हैं, 3 पे ही अटक जाते हैं। अप्रेजल मीटिंग में वो सब अच्छे काम भूल जाता है, अप्रेजल मीटिंग में वो सब अच्छे काम भूल जाता है, कहां क्या गलती की एक्सेल शीट में नोट करके लाता है, कहां क्या गलती की एक्सेल शीट में नोट करके लाता है, और पूरी मीटिंग में बार बार वही गिनाता है और बार बार वही गिनवाता है। मैं कुछ कर तो सकता नहीं, बस सुनता ही जाता हूं, बस सुनता ही जाता हूं। बिलिंग हमारी लेते हैं भर के, अप्रेजल में बस टुकड़े ही देते हैं। बिलिंग हमारी लेते हैं भर के, अप्रेजल में बस टुकड़े ही देते हैं। प्यासे कौवे की तरह बूंद बूंद को तरसा देते हैं, प्यासे कौवे की तरह बूंद बूंद को तरसा देते हैं। नाम तो मच्छर का यूं ही बदनाम है, नाम तो मच्छर का यूं ही बदनाम है, खून तो सारा बॉस ही पी जाता है, खून तो सारा बॉस ही पी जाता है। मेरी इतनी मेहनत का कोई फल न मुझको मिलता है, मेरी इतनी मेहनत का कोई फल न मुझको मिलता है। जी करता है पंख लगा के खुले आसमां में उड़ जाऊं, जी करता है पंख लगा के खुले आसमां में उड़ जाऊं, पर क्या करूं मेरा बस नहीं चलता है, पर क्या करूं मेरा बस नहीं चलता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी फ्रस्ट्रेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, जो कि अपने मैनेजर से बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी था। तो इससे पहले भी मैं आपके लिए कैसी ही स्टोरी लेकर आई थी फ्रस्ट्रेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, अगर आपने वो स्टोरी नहीं देखी हो अभी तक तो उसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ऐसी स्टोरीज अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी स्टोरीज को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आप इसको अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी सुन के अच्छा लगेगा ये। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, गुड बाय।